जीतेगा तो हारेगा तो, लेकिन इस बार वन लास्ट फाइट तो करके रहेगा, वन लास्ट फाइट, वन लास्ट फाइट। ये नारा गूंजता रहा और अगरतला का अस्तबल ग्राउंड नई हुंकार भरता रहा। नमस्कार और खुलुमखा दोस्तों, मैं आत्रेयी विश्वास रॉय। अब चंद महीने रह गए हैं जब नॉर्थ ईस्ट का एक छोटा पर वाइब्रेंट स्टेट त्रिपुरा इलेक्शन में जाएगा। 2018 इलेक्शन बदलाव की जमीन पर लड़ा गया था जब CPM से सत्ता बीजेपी ने छीनी। 2023 एक और बदलाव, एक हक की लड़ाई के तौर पर देखा जा रहा है, जब राज्य के सारे तिपरासा अपना अधिकार मांग रहे हैं, अपने लिए द ग्रेटर तिपरा लैंड मांग रहे हैं। आंदोलन की अगुवाई महाराजा प्रद्योत किशोर माणिक्य कर रहे हैं और उनकी पार्टी तिपरा को अब हर तिपरासा का सपोर्ट मिल रहा है। इसका सबूत फिर दिखा 12 नवंबर को। बुबागरा ने नारा दिया कि अगरतला चलो अस्तबल भरो, फिर अस्तबल ग्राउंड का जो नजारा दिखा वो आपके सामने है। पर सिर्फ भीड़ तक बातें नहीं थी, बुबागरा ने यहां से 2023 की हुंकार को और बड़ा कर दिया। चलिए देखते हैं बुबागरा की ललकार। हमको आपको चाकरी देना है, हमको आपको अधिकार देना है, और मैं यहां में सब बुकुंगबारा को बोलना चाहता हूं, आप अब, मैं मोदी जी जैसा बड़ा इंसान नहीं हूं, वो आके यहां में बोलेगा 5,000 करोड़, 10,000 करोड़, 20,000 करोड़, इतना क्षमता तो नहीं है, लेकिन मैं सब बुकुंगबारा को बोलना चाहता हूं, आप लोग अब SDM ऑफिस में जाकर एप्लीकेशन डालो पट्टा के लिए, पट्टा के लिए, अलॉटमेंट के लिए। SDM ऑफिस में जाकर आप लोग अब अपना अर्जी दो, अपना डिमांड करो। तिपरा मोथा 2023 में आएगा ना, तो सब बुकुंगबारा को अलॉटमेंट और पट्टा देगा। बुबागरा प्रद्योत माणिक्य ने साफ शब्दों में कई बातें रख दी। अब तक अहिंसक रहे आंदोलन के आगे की राह भी ऐसी ही होगी और धर्म या भाषा के तौर पर कोई पक्षपात नहीं होगा। ये लड़ाई बंगाली से नहीं बल्कि सिस्टम से अपने अधिकार के लिए है। ये बात बुबागरा ने बार बार कही। की बोले, प्रद्योत माणिक्य तो हिंदू विरोधी छिलो, एक समय ये एलिगेशन था। अरे जो त्रिपुरा सुंदरी को ये परिवार ने, ये माणिक्य परिवार ने त्रिपुरा सुंदरी बनाया, सुरक्षा किया अपना जमीन का, हम मां मंगल चंडी का पूजा करता है, लेकिन यही परिवार ने मिशन कंपाउंड में चर्च के लिए जगह दिया, यही परिवार ने गेदू मिया और शुजा के लिए मस्जिद बनाया, यही परिवार ने यहां में बुद्ध मंदिर बनाया। आप बोलता है प्रद्योत कम्युनल है, मैंने आज तक धर्म के नाम में, मैंने आज तक किसी के टीका को देखकर, किसी के दाढ़ी को देखकर वोट नहीं मांगा। मंदिर मस्जिद का पॉलिटिक्स आपने किया है, हमने नहीं किया है। तिपरासा देना जानता है, छीनना नहीं जानता है। ग्रेटर तिपरा लैंड चाहिए, ग्रेटर तिपरा लैंड चाहिए, और किसी के खिलाफ नहीं। 2023 इलेक्शन को बुबागरा ग्रेटर तिपरा लैंड के लिए आखिरी कोशिश मानते हैं, क्योंकि इस वक्त तिपरा लोगों की भावना और उनका मोमेंटम साथ में आसमान पर है। यही वजह है कि बुबागरा इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने की कोशिश में है। और हमने किसी से भीख नहीं मांगा है, पूरा जिंदगी, सिर्फ 2 महीना बाकी है, पूरा जिंदगी। किसी का नौकरी से करने से अच्छा है, किसी का गुलामी करने से अच्छा है, जिंदगी में एक बार अपना जाति के लिए, अपना तिपरासा के लिए फाइट करो। कितना दिन तो आप लोग ऐसे ही रहेगा, 75 साल हो गया, कब तक हम लोग ऐसे ही बन के रहेगा। तो 2023 में आप थानसा का पावर देखेगा कि नहीं देखेगा, देखेगा कि नहीं देखेगा।
एमपी मिनिस्टर के ऑफर बुबागरा को मिलते होंगे, इसमें कोई शक नहीं। पर ये बात बुबागरा भी जानते हैं कि वो लोगों के महाराजा हैं। तिपरासा लोग उन्हें सर आंखों पर रखते हैं, इसीलिए क्योंकि उन्हें भरोसा है कि कुछ भी हो जाए उनका बुबागरा उनका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। और आम लोगों का साथ बुबागरा और उनकी लड़ाई में साथ रहा तो 2023 में बड़ा बदलाव होगा, ये संभव है। आगे आने वाले दिन त्रिपुरा के लिए दिलचस्प होंगे। त्रिपुरा की बदलती राजनीति का हाल देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि बुबागरा और आप सब तिपरासा की आवाज पूरी दुनिया में फैलती रहे। नमस्कार। सिर्फ 2 महीना बाकी है, ऐसे ही करके अपना हाँ के बारे सोचो। 2 महीना तक थानसा रखो। 2023 में तिपरासा हिंदुस्तान को दिखाएगा, we are ready to fight our last fight. Chiniha, Chiniha, Chiniha. अगर चिनिहा चीनी शासन चाहिए ना, तो सबका साथ सबका विकास नहीं, पहले बुकुंग बरा का नारबुंग का विकास करो। Thank you.